शुक्र है रब्बा, ये राज खुलने से बच गया, बच गया, बच गया, बच गया। क्या बच गया? फिर तुम लोगों को गले लगाना तो बच ही गया, बच गया। चलो यार जा रहा हूँ। ओके ओके बाय। सॉरी सॉरी, बाय बाय। ओके ठीक कर, ये सब सब ठीक कर, ठीक कर। आपका ऑर्डर सर। बैठा है मेरे सामने ड्राइवर। ओके, बॉस के सामने तू बैठ जाएगा कुर्सी पे। माफी माफी सर, माफी, इसको जरा भूलने की बीमारी है। कोई बात नहीं, आप खाइए, इसका बिल नहीं लेंगे हम। गुड, सॉरी। ओ क्या कर रहा यार, कुछ हुआ था क्या? हो गया जो होना था। देखा गुलगुले, यो कोई डेमो वेमो ना है। इन ससुरों ने यो देख के कि मैं 6 महीने चौकी ना आऊंगी, चौकी में रेस्टोरेंट खोल डाला। मैडम ये खुशबू भी अच्छी आ रही है। आए, आए, मेरे मुंह में पानी नहीं सुनामी आ रही है मैडम। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, वो तो रेस्टोरेंट है, वाह क्या बात है। अरे एक्सक्यूज मी, अरे यहाँ का ये रेस्टोरेंट का मालिक कौन है? पुष्पा रात को डांटती है। एक्सक्यूज मी ब्रो, हम तीनों हैं यहाँ के मालिक। इज्दा मेरी सास ने मेरे मुंह पे पोत दी थी, काली किस्दा है। जिन्हें मैं बालक समझती थी आज अपने पाँव पे खड़े हो गए, कमाई शुरू कर दी बालकों ने। ठीक है चल। देखा भैया, काम कर गया ना आइडिया। अभी तो ज्यादा लोगों को पता नहीं है, जैसे जैसे लोगों में खबर फैलेगी ना कि एक रात भर चलने वाला रेस्टोरेंट खुल गया है, फिर देखना एक होजो मुमड़े का भीड़ से आ जाएगी यहाँ पे। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा कमाएंगे हम लोग। वेल, अब हो जाए पैसों का बंटवारा इसदा। बिल्लू अब तुम नहीं रहेगा कमारा इसदा। हाँ भाई, ये लो जी, आ लो जी गोपी जी, आपका हिस्सा, और बिल्लू ये आपका हिस्सा, और ये हिस्सा हो गया मेरा। बाय बाय। भैया कितने पैसे हैं आपके? गिनता हूँ, गिनता हूँ। गिनती आती है भैया? आप हेलो बॉय, कैसी चल रही है चौकी? My God, what's that? मैडम आप बिना एक नंबर की बोली है। मैडम आप देख नहीं रही हैं कितनी मेहनत से ये लोग चौकी चला रहे हैं। ओहो, ओ, ओ माय गॉड, ये तुम लोगों के हाथों में पैसे कैसे? गुड क्वेश्चन, ऐसे कैसे पैसे? वो मैडम वो भैया कुछ मत बोलना, आप बस ऐसे ही भोंडी शक्ल बना के खड़े रहना। I've got all day. Well, actually, वाह 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 वाह, मैडम आप देख रहे हैं ये लोग कितने महान हैं। जरूर इन्होंने किसी वो जुए के अड्डे पे रेड मारी होगी, वहां से ये पैसे बरामद किए होंगे, और इतने बड़े काम का खुद क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते, मतलब साधु हैं ये दोनों साधु, श्री श्री बिल्लू और श्री श्री गोपी। Is it? गुलगुले जी एकदम सही गैस कर गए मैम।
या हमने कहा हमारे होते हुए कोई नहीं चल सकता जुए का अड्डा इसदा, फिर चाहे उसका मालिक गुलाटी हो या हो चड्डा इसदा। गुलगुले छीन ले पैसे। नहीं मतलब सरकारी है ना, अब रेड में पकड़े गए पैसे हैं तो सरकारी संपत्ति हुई, इसलिए ले लो जी। वो मेरे पर्सनल पैसे हैं गुलगुले जी। ये पर्सनल पैसे हैं तुम्हारे, रख लो यार, हमें नहीं चाहिए पर्सनल पैसे। चलो भाई, मैं तो घनी खुश हुई हूँ देख के कि मारे धर्मवीर चौकी ने एकदम बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से चला रहे हैं। चलो भाई, मैं भी जाके सो लूं है, शाम को फिर वही उन्नाव की ट्रेन पकड़ के जाना है, रात भर ड्यूटी बजानी है, मेहनत का काम है, पर कोई नहीं। चलो भाई गुलगुले, सो जाएंगे यार, सो जाएंगे। हम लोग लुट गए भैया, बर्बाद हो गए हम लोग। वेल बिल्लू, अब तो एक ही दिन की कमाई गई है ना, कोई बात नहीं, कम से कम मॉम के सामने ये मामला तो नहीं खुला। अब तुम टेंशन में अपने बाल मत नोच इसदा, आज रात की सोच इसदा। हाँ भैया, रात को मुझे गजल भी तो गाना है। ओ बिल्लू, हाँ भाई, ये तेरे और ये मेरे। लख लख शुक्र है रब्बा तेरा, बस सानू ऐदा ही चढ़दी कला च रखे, बस तेरी मेहर रहे ऐदा ही, है ना। बाय। वाह मैडम वाह, मतलब मैंने आपसे कहा था ना, मतलब ये दोनों हीरा हैं, हीरा साधु हैं दोनों। देखिए मैडम, फिर से किसी जुए के अड्डे पे रेड मार कर आए। वाह 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 वाह। बालकों, अगर ऐसा ही चलता रहा, एफिशिएंसी तुम्हारी इस कदर जो है रेल से भी तेज भगती रही, तो फिर मन ने तो लेना पड़ेगा ना प्रीमैच्योर वॉलंटरी रिटायरमेंट। वाह, अब मैं घनी खुश हूँ, घनी खुश, यू हैव डन मी प्राउड। इबियो बताओ कि वो कौन सी रेड का माल जब्त किया है, कहाँ लगाई रेड? ये जब्त को ये पैसे नहीं है। अच्छा, तो थारे बाप की शादी में खर्च करने के लिए लाए? नहीं, वो मैडम, वो भैया का ये मतलब है कि ये जुए के अड्डे पर रेड मार के जब्त किए हुए पैसे नहीं है। ये वो अपना वो सिग्नल के रूल्स जो लोग तोड़ते हैं ना, उनसे जो फाइन इकट्ठा किया हम लोगों ने, वो पैसे हैं ये। वाओ, मारे धर्मवीर आंखें नम हो आई, छल छला गई, गीली हो गई तुम्हारी कर्मठता देख के, कार्य के प्रति, अपनी ड्यूटी के प्रति। आओ मारे मारे गले लगो, प्लीज आओ गले आओ, प्लीज तू भी चल चल। ओके, वाह मजा आ गया, लवली। गोपी यार, तुझे बताना चाहूंगा, एक वक्त था जब मुझे बेइज्जती महसूस होती थी ये कहते हुए कि गोपी जैसा लीचड़ आलसी निकम्मा आदमी मेरा दोस्त है। वेल नहीं, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब फीलिंग्स हैव चेंज्ड। अब तो मुझे गर्व महसूस होता है ये कहते हुए कि गोपी इज माय फ्रेंड, आई एम प्राउड ऑफ गोपी, बोथ ऑफ यू। मेरे भी गले लग जाओ यार। वाओ, हाँ तो भाई गुलगुले पैसे छीन ले। नहीं, मतलब सरकारी संपत्ति हो गई ना, यो सिग्नल वगैरह से तो सरकार को देनी पड़ेगी ना, इसलिए ले लो, दे दो। चलो भाई, जो मैं निश्चिंत हूं क्योंकि चौकी इज इन सुरक्षित हाथों में, तो इब जाके मैं अपना सो लूं थोड़ा है, शाम को भाई ट्रेन पकड़ के उन्नाव, रात भर वहां उन्नाव में चौकी में ड्यूटी, एकदम रात जागरण हो जाएगा। चल सो जाएंगे यार, सो जाएंगे। यू आर यू चीटिंग है ये भैया, चीटिंग है ये, हमारी दो दिनों की मेहनत की कमाई मैडम आई और लेके चली गई।
कोई बात नहीं बिल्लू, कोई बात नहीं, है पेशेंट। पेशेंस भैया। या दिस वन, बस तू एक बात ना पल्ले बांध रहे, ये जो हम पैसों का बंटवारा करते हैं ना, अब हम दिन में नहीं करेंगे। रेस्टोरेंट सवेरे 5 बजे बंद होता है ना, बस 5 बजते ही ना पैसों का बंटवारा शुरू कर दिया करेंगे, नहीं तो लुट जाएंगे यार पूरा। मैडम जोर का झटका लगा है दोनों को। बेटा असली झटका तो लगेगा रात को, पर उससे पहले सोच रही हूँ कि झटका जब लग ही रहा है तो क्यों ना किसी और ने लग जाए पहले। वो को आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही घंटू घंटीला चंटू चंटीला एडिया आ रहा है। तू कब देखा, चौथे पे अपने कि अपनी 13वीं पे कि एनुअल बर्थडे पे देगा अपनी? माँ भी कमाल करती है, जरा कोने में तो आइए। और कितने कोने में चाह रहा? सुनिए सुनिए, बड़ा आइडिया। होती है तकलीफें आती हैं जिंदगी में यार, मैंने बहुत तकलीफें सही हैं यार, कोई बात नहीं होता है, कोई बात नहीं। ईब उड़ेंगे इन दोनों के तोते, घने क्यूट लगेंगे गोपी बिल्लू रोते। रुक्षाना रुक्षाना जरा रुक जाना, तुम हमारा बात तो सुनो, एक बार बात तो सुन लो। क्या सुनेगी मेरी बाबा, तेरा बात सुन सुन के मेरा कान पक गया है। तू मेरे को वो पोटी समझा जिसको तू पट्टी पड़ा गए लेडी गोरा उनकी तरह घुमाता रहेगा और शादी नहीं करेगा, आज मैं फैसला करके रहेगी है। ठीक है, तुम ऐसा बात क्यों कर रहा है? तुम मेरे को गुस्सा नहीं दिलाना है वरना कसम हैदराबाद के 4 मीनार की तेरे को आज मैं छोड़ेगी नहीं रे माइकल, छोड़ेगी नहीं। धमकी धमकी धमकी, जब देखो तुम हमको धमकी देता रहता है, हम तुम्हारा धमकी उसे डरने वाला नहीं है। मेरा बात तुमको धमकी लगता है? धमकी लगता है? धमकी लगता है? एक्सक्यूज मी, कैन आई ब्रिंग योर ऑर्डर? धमकी लगता है? तुम हमको इतना जोर से मारा है, हम मर भी सकता है, हम मर गया। अरे बाबा ये तो मर गया है, भागो भैया, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया भैया, मर्डर हो गया। ओह माय गॉड, ओ यार वो लड़की कहाँ गई जिसने इसे मारा है? वो तो मुर्गी में बैठी हुई थी, वो तो दौड़ लगा गई मर्डर करके। यार हमने नहीं देखा उसका फेस इज़्ज़ा, ये तो हो गया है मर्डर केस इज़्ज़ा। भैया कुछ भी करके इस डेड बॉडी को हमें ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना अगर कहीं मैडम को पता चल गया ना कि चौकी में कोई मर्डर हुआ है तो फिर 2 मर्डर और हो जाएंगे, एक आपका और एक मेरा। ओ यार मेरी बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ यार, बकवास मत कर, तेरी बात में आके हम लालच में आके हमें लेने के देने पड़ गए, भूल जा, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, कोई डील नहीं करनी हमें, झट। और ठीक है यार डील कैंसिल तो कैंसिल, और मुझे खुद को तुम जैसे लोगों के साथ बिजनेस नहीं करना है, जो नहीं करना है मुझे 12 सिलेंडर चाहिए, जान दो यार। ओ बिल्लू सुबह होने वाली है भैया, अगर इस वक्त हम इस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इस वक्त वो लाफ्टर क्लब वाले बुड्ढे निकल जाते हैं सुबह सुबह। या सुबह तक तो मम्मी जी भी चौकी में आ जाती हैं। भैया इस डेड बॉडी को हमें चौकी में ही कहीं छिपाना होगा, और ऐसे छिपाना होगा कि मैडम और गुलगुले जी को कुछ पता ना चले, क्योंकि गुलगुले जी बहुत काई आदमी है। शाबाश, क्या हुआ भैया? डेड बॉडी ने मुझे थप्पड़ मारा है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कई बार डेड बॉडी में ना थोड़ी सी जान रह जाती है। बहुत जोर से मारा है भैया, मैं भी मारूंगा। क्या करता है यार, रोज थप्पड़ खाता है कि थप्पड़ नहीं खा सकता तू? अब तो ये सोचो यार, इस डेड बॉडी को ना हम चौकी में कहीं छुपा दे,
किसी को पता ना चले बॉडी कहाँ रखी है। भैया इसका पक्का इंतजाम तो हम लोग कल करेंगे, फिलहाल इसे यहीं कहीं चौकी में दबा देते हैं। अरे सिंगर यार कितना टाइम लगा था तू यार, अरे फरमाइशी गाना दिया है ना तो जरा गाना। अजीब पागल आदमी हो यार आप, दिख नहीं रहा यहाँ पे मर्डर हो गया आपको गाने की पड़ी हुई है। तो मर्डर हुआ तो मेरे को क्या लेना देना, मैंने तो वो बॉय को पैसा दिया है ना, फरमाइशी गाना दिया है ना तो गाओ ना प्लीज। हम नहीं सुनाते। नहीं सुनाओगे कोई बात नहीं, मैं बाहर जाकर चिल्लाता हूँ कि यहाँ पे मर्डर हुआ है। अरे सुनो नहीं सुना रहे, सुना रहे कौन सा गाना है? चिट्ठी है ना, भिजवाई है टिप के साथ। है ना बढ़िया चॉइस है ना। क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हो गया आपका हो गया, चलो बस खत्म। हाँ अच्छा और कुछ? बस ना यार बस प्लीज। ओके वाह रे गोलू, सनी ने ना तेरी गाड़ी की हवा निकाल दी बाहर। किस मुसीबत में फंस गए भैया हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब ना आपके बुरे कर्मों का नतीजा। चल यार जो होना था हो गया, अब मिट्टी पाओ मिट्टी। क्या मिट्टी पाओ भैया, अगर मैडम को ये सब कुछ पता चल गया ना, वो बंदूक गोली लात घूसे सब पा देंगी। किसी भी सूरत में मैडम को नहीं पता चलना चाहिए कि उस अलमारी के पीछे हमने जो है डेड बॉडी को छिपा रखा है। उनसे बचा के रखना होगा हमें इस बात को। कैसे संभालेंगे इसको हम? मैं जरा For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.